हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली पजेस्ड। आई एम श्वेता। इन दिस चैनल वी प्रिपेयर साइंस एंड मैथ्स फॉर वेरियस एग्जाम्स एंड फॉर फिजिक्स वी वर डूइंग सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसका जो है ये फोर्थ पार्ट है जिसमें वी विल डिस्कस वेरियस मेथड्स इन एक्सरे डायफ्रेक्शन विच आर हेल्पफुल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, वो सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे आज। एंड इस टॉपिक के बेसिस पे जो है आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, सो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो यहाँ पे क्या है, हमने ये कहा दैट इट कैन बी कंसिडर्ड, जो न्यूट्रल क्रिस्टल है इट कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ 3D एरे ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्रिस्टल ले लिया। ठीक है, जो क्रिस्टल में कहते हैं जो अरेंजमेंट है एटम्स का, इट्स लाइक अ 3D एरे, थ्री डिमेंशनल एरे की तरह से है, और इट एक्ट्स एज अ 3D ग्रेटिंग की तरह ही एक्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने बेसिकली जो है एक्सरे ही क्यों यूज़ की, बिकॉज जो एटम्स हैं क्रिस्टल के उनके बीच में जो स्पेसिंग है, ठीक है, दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि दैट व्हाई एक्सरेज आर ओनली यूज्ड एज दे आर सो मैनी अदर थिंग्स प्रेजेंट। तो हमने पर्टिकुलरली एक्सरे ही क्यों यूज़ की, द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो स्पेसिंग है एटम्स के बीच में, दैट इज़ जो उनका साइज है, दैट इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। दैट्स वाई जो है हमने एक्सरेज ही यूज़ की। सो यहाँ पे जो है, जब हमने इंसिडेंट एक्सरेज को इंसिडेंट करवाया ऑन द यहाँ पे जो एटम्स की प्लेसमेंट हुई थी क्रिस्टल पे, उन पर जब हमने इंसिडेंट करवाई एक्सरेज, देन एट सम एंगल थीटा जो है एक्सरेज रिफ्लेक्ट हुई। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं व्हेन दे इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, तब क्या हुआ, डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे जो एटम्स हैं इनकी प्लेसमेंट जो है, इट एक्ट्स लाइक अ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग। और जब आप इस पे जो है रेज को इंसिडेंट करवाया एट सर्टेन एंगल थीटा, क्या हुआ, दे गॉट डिफ्रेक्टेड, और डिफ्रेक्शन पैटर्न जो है प्रोड्यूस हुआ व्हेन द रिफ्लेक्टेड रेज इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब हुआ। ठीक है, सो यहाँ से जो है हमें एक इक्वेशन मिली विच इज़ 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा। इस इक्वेशन का नाम है ब्रैग्स इक्वेशन एज इट इज़ गिवन बाय ब्रैग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इक्वेशन बहुत यूज़फुल है, इसी के बेसिस पे ही आपको मेथड समझ में आएंगे। तो टर्म्स जो हैं, वेरियस टर्म्स यहाँ पे उनका मीनिंग देख लो। जो स्मॉल डी है यहाँ पे, वो दैट इज़ द स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स। ठीक है, जो वो डी है स्पेसिंग आ गया। साइन थीटा जो है वो एंगल है जहाँ पे जो है रेज जो है दे विल बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, और साइन थीटा जो है इट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इस वैल्यू इन दो टर्म्स में जो है नंबर्स में जो है वैल्यू लाई करती है साइन थीटा की। तो यहाँ पे स्मॉल एन है, दैट इज़ इंडिकेटिंग द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, बिकॉज हमने बोला ना कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं दे विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, तो जो एन है दैट विल इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, मीन्स एन विल बी 1, 2, 3, 4 इंडिकेटिंग द फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा। क्लियर है यहाँ पे। लैम्डा जो है वो जो हम वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं एक्सरेज की, वो लैम्डा है यहाँ पे। अब आपको एक यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 to 1 के बीच लाई कर रही है। ठीक है, डी फिक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, क्रिस्टल है, डी यहाँ पे फिक्स हो गया। जो लैम्डा है इट मीन्स दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2D। तो वेवलेंथ है ये डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑप्टेन करने के लिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 2D। डी यहाँ पे है, ठीक है, फिक्स है यहाँ पे। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज़ ओनली सेटिस्फाइड बाय एक्सरेज। जो एक्सरेज की वेवलेंथ है इट इज़ मैचिंग दिस कंडीशन, बिकॉज दैट वेवलेंथ इज़ लेस देन इक्वल टू 2D, इसलिए जो है यहाँ पे एक्सरेज यूज हुई। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज़ ब्रैग्स इक्वेशन विच इज़ 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑप्टेन करने के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, जो रेज जो हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ओनली दोज विल रिजल्ट इन द डायफ्रेक्शन पैटर्न।
अब यहाँ पे डी तो फिक्स हो गया, क्रिस्टल है, एटम्स के बीच में स्पेसिंग रहेगी, फिक्स हो गया, ठीक है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। अब यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, थीटा एंगल 0 से लेकर 1 तक, जो हमने बोला साइन थीटा, ठीक है, यू कैन टेक एनी एंगल फ्रॉम देम। और यहाँ पे लैम्डा जो है, एक्सरेज भी जो है उनको भी आप वेरिंग वेवलेंथ की एक्सरेज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जो उनकी रेंज है तो वेवलेंथ की, तो आप उसमें से उसको भी वेरी कर सकते हो, चूज़ आपने एक्सरे ही करनी है, बट यू कैन वेरी देयर वेवलेंथ बाय स्लाइट अमाउंट। तो यहाँ पे जो है डी फिक्स हो गया, दो ऑप्शंस हमारे पास क्या बची, थीटा एंड लैम्डा, ठीक है। अब सारे तीनों मेथड इसी के ऊपर हैं, किसी में हम जो है थीटा फिक्स करके लैम्डा वेरी करेंगे, किसी में लैम्डा फिक्स करके थीटा वेरी करेंगे, एवरी टाइम व्हाट वी वांट कि ये जो ब्रैग्स इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो। क्लियर है, ये बेस सेट हो गया, लेट्स मूव टू द मेथड्स। सो फर्स्ट मेथड इज़ लाउज मेथड, जिसमें हमने क्या करना है, थीटा जो है एंगल उसको हम फिक्स रखेंगे एंड वेवलेंथ जो है उसको वेरी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ। सो यहाँ पे हमने थीटा को कैसे फिक्स किया, बाय मेकिंग क्रिस्टल स्टेशनरी। सो क्रिस्टल को हमने कुछ ऐसे अपरेटस में रखा दैट क्रिस्टल जो है वहाँ पे स्टेशनरी रहे, फाइन। सो इस तरीके से जो है थीटा फिक्स हो गया। सेकेंड थिंग है लैम्डा वेरी, लैम्डा कैसे वेरी कर रहा है, वी आर यूजिंग एक्स रेज हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम 0.2 to 2 angstrom, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक्स रेज वेरिंग वेवलेंथ की हम यूज़ कर रहे हैं, सो वी गॉट थीटा फिक्स, लैम्डा वेरिंग। क्लियर है ये। सो यहाँ पे जो है एक्सरेज एक पिन होल अरेंजमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे क्रिस्टल है विच इज़ हेल्ड स्टेशनरी, उसके ऊपर फॉल कर रही हैं। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग द क्रिस्टल यहाँ पे टू थिंग्स विल हैपन। फर्स्ट क्या होगा, सम ऑफ द रेज विल गेट रिफ्लेक्टेड, सम विल गेट डायफ्रेक्टेड। तभी यहाँ पे जो दो फिल्म्स हमने यहाँ पे लगाई हैं, वन फॉर द रिफ्लेक्टेड, अनदर फॉर द ट्रांसमिटेड जो है रेज, ठीक है, उनके लिए, सॉरी ट्रांसमिटेड इज़ अ वर्ड, ठीक है। यहाँ पे दो फिल्म्स किसके लिए हैं, फर्स्ट वन फॉर द रिफ्लेक्टेड, अनदर वन फॉर द ट्रांसमिटेड रेज। सो अब यहाँ पे जो भी रेज जो हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी विच इज़ ब्रैग्स इक्वेशन 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, वो क्या करेंगी, यहाँ पे जो पैटर्न है डायफ्रेक्शन पैटर्न वहाँ पे स्पॉट फॉर्म करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वी विल गेट अ सीरीज ऑफ स्पॉट्स ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। क्लियर है ये पूरा कैसे हमने किया, एक्स रेज को जो है क्रिस्टल पे फॉल करवाया विच इज़ स्टेशनरी, थीटा फिक्स है, एक्स रेज की वेवलेंथ वेरी कर रही है। तो यहाँ पे जो है जब ये क्रिस्टल से स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद सम ऑफ द बीम रेज जो हैं दे विल गेट रिफ्लेक्टेड, सम विल गेट ट्रांसमिटेड। वी हैव कैप्ट टू फिल्म्स ओवर देयर, ठीक है, वन टू कलेक्ट द रिफ्लेक्टेड एंड अनदर टू कलेक्ट द ट्रांसमिटेड वंस। जिन रेज के लिए 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी टूवर्ड द डायफ्रेक्शन पैटर्न। सो पॉइंट्स देखो यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट इज वन फिल्म रिसीव्स रिफ्लेक्टेड एंड अनदर फिल्म रिसीव्स ट्रांसमिटेड एक्स रेज। क्लियर है ये। सेकेंड पॉइंट क्या था, पैटर्न विल शो सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। पैटर्न जो है वो एक स्पॉट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, और पैटर्न हमें क्या बताता है, अबाउट द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। तो सो फ्रॉम लाउज मेथड वी गेट टू नो अबाउट द सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली इस मेथड से क्या बेनिफिट होता है, दैट इट इज़ हेल्पिंग अस इन फाइंड आइडेंटिफाइंग द टाइप एंड द ओरिएंटेशन ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल। सो सिंगल क्रिस्टल किस टाइप का है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है, दिस ऑल वी गेट टू नो फ्रॉम अ लाउज मेथड। क्लियर हो गया है आपको, ब्रैग्स इक्वेशन हमने पिक करनी है, ठीक है, डी फिक्स्ड है वहाँ पे, थीटा एंड लैम्डा कैन वेरी। सो इन दिस पर्टिकुलर मेथड थीटा फिक्स है, लैम्डा कैन वेरी, उसके कारण सो वी आर गेटिंग ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज। सो कौन सी जो ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ओनली दोज विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड द डिफ्रेक्शन पैटर्न, एंड फ्रॉम दैट पैटर्न हमें क्या पता चलेगा, सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, एंड हमें पता चल पाएगा कि सिंगल क्रिस्टल की किस टाइप का है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है। क्लियर है ये। सो नाउ मूविंग टू द सेकंड मेथड। सो सेकंड मेथड इज रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल, रोटेशन से पता चल रहा है कि एंगल वेरी होगा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर मेथड में क्या होगा, थीटा जो है एंगल वो वेरी होगा लेकिन वेवलेंथ जो है वो फिक्स रहेगी। क्लियर है ये। सो टेक अ लुक एट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द मेथड, क्या है ये। सो यहाँ पे जो है एक्स रेज
फॉल करवा रही हैं। ये पूरा एक सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है। और जो यहाँ पे क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल जो है इट इज़ अटैच्ड टू अ रोटेटिंग शाफ्ट। इसकी हेल्प से क्या होगा, क्रिस्टल को हम रोटेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। क्रिस्टल जो है रोटेट करेगा, एंड जो भी एक्सरेज जब फॉल कर रही हैं क्रिस्टल के ऊपर, जो भी रे जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। दैट विल कॉन्ट्रीब्यूट टू वॉर्ड अ डायफ्रेक्शन पैटर्न, जो कि जो है यहाँ पे सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म को क्या करेगी, वो उसको रिकॉर्ड कर लेगी, फाइन। सो यहाँ पे बस दो चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट इज दैट क्रिस्टल इज रोटेटिंग ओवर हियर, एंड जब रोटेट कर रहा है क्रिस्टल, उसके ऊपर जो है एक तरीके से सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म रखी हुई है, क्रिस्टल अंदर रोटेट कर रहा है, एक्सरेज उसके ऊपर फॉल कर रही हैं, फॉल करते हुए वो क्या कर रहा है, एक्सरेज को इट्स स्ट्राइकिंग इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। बट कौन से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड द डिफ्रेक्शन पैटर्न, विच विल सेटिस्फाई द ब्रैग्स कंडीशन, जिसके लिए डी थीटा और लैम्डा तीनों मैच कर जाएंगे। सो क्रिस्टल को रोटेट करना है ये तो मैं पता चल गया, बट हाउ टू रोटेट द क्रिस्टल, ठीक है, इन विच मैनर। सो हेयर आर टू मैथड्स थ्रू विच क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड। फर्स्ट मैथड है यहाँ पे कम्प्लीट रोटेशन, फर्स्ट मैथड है कम्प्लीट 360 डिग्री रोटेशन आपने देनी है क्रिस्टल को, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको बताया है कि क्रिस्टल जो यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रिस्टल को कम्प्लीटली आपने 360 डिग्री हमेशा रोटेट करते जाना। तो इससे क्या होगा, एक्सरेज फॉल कर रही हैं इसके ऊपर, ठीक है, अगेन वही जो थीटा एंगल, अब थीटा तो वेरी कर रहा है 0 से 360 डिग्री के बीच में, अब वो थीटा जो ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्रेक्शन हो जाएगा। अब 0 से 360 डिग्री, ठीक है, इसको आप रोटेट कर रहे हो, एंगल्स जो हैं यू नो, ठीक है, वो दे विल स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्व्स आफ्टर 90 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमें 4 टाइम्स जो है डिफ्रेक्टेड रेज मिलेंगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ पे। बिकॉज हम जो है इसको रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे क्रिस्टल को थ्रू कंप्लीट रोटेशन है यहाँ पे 360 डिग्री। सो जो थीटा एंगल है जो ब्रैग्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल अकर 4 टाइम्स, बिकॉज 90 डिग्री तक हमें वो एक बारी वो एंगल मिल गया, उसके बाद 180 से साथ जो 270 तक वो एक बारी एंगल आ गया, 90 से 180 के बीच में वो एक बारी। सो इफ़ यू डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स वी नो, तो इसमें जो है हमें वो एंगल 4 टाइम्स मिलेगा। सो इट मीन्स 4 टाइम्स डिफ्रेक्शन विल अकर, ठीक है, इन केस ऑफ कम्प्लीट रोटेशन। सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड मैथड। सो द नेक्स्ट मैथड इज ऑसिलेटरी रोटेशन, ठीक है। फर्स्ट था कम्प्लीट रोटेशन, 360 डिग्री का टर्न था, इसमें हमने क्या किया है, जो क्रिस्टल है उसको ऑसिलेट करवाया गया, ठीक है। सो ऑसिलेट करवाया गया थ्रू एन एंगल ऑफ 15 और 20 डिग्री, छोटी से एंगुलर विड्थ के थ्रू जो है इसको ऑसिलेट करवाया यहाँ पे। बस उस ऑसिलेशन के थ्रू थीटा को हम वेरी कर रहे हैं, एक्सरेज दे आर फॉलिंग, अगेन द सेम थिंग विल हैपन कि जो ब्रैग इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी तीनों वैल्यूज़, डी तो फिक्स ही है, लैम्डा और थीटा, ठीक है, जो मैच होके ब्रैग इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, दे विल रिजल्ट इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न, क्लियर है ये, ठीक है। तो थीटा को इस रोटेटिंग क्रिस्टल में हमने 2 तरीके से वेरी किया, 1 बाय गिविंग द क्रिस्टल कम्प्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, सेकेंड हमने क्या किया, ऑसिलेट किया है क्रिस्टल को बाय द एंगल ऑफ 15 और 20 डिग्री। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि इस मेथड का बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो लॉज मेथड में पता चल गया था वो हेल्प करता है इन डिटर्मिनिंग द टाइप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल। तो इस मेथड से हमें पता चलता है अबाउट द लैटिस पैरामीटर्स जो कि ABC हैं, ठीक है, ABC जो हैं लैटिस पैरामीटर, इनको कहते हैं डायमेंशंस होती हैं ये क्रिस्टल की। तो थ्रू द मैथड ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल वी गेट टू नो अबाउट द वैल्यूज ABC ऑफ द क्रिस्टल यूनिट सेल। सो दोनों मैथड्स क्लियर हो गए आपको, नाउ मूविंग टू द थर्ड एंड द लास्ट मैथड। सो द थर्ड मैथड इज पाउडर मैथड। सो नाम से पता चल रहा है पाउडर फॉर्म में होगा क्रिस्टल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस मैथड इज़ यूज फॉर द सब्सटेंसेज विच कैनॉट बी ईजिली ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। अब कुछ सब्सटेंसेज हैं जो हमें क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं मिलते हैं, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल की फॉर्म में हमें नहीं मिल पाते हैं, तो उनको जो है पाउडर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम भी आपको बना के बताई है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो आपको समझाई थी इन द क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म, तो
तो तब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि क्रिस्टलाइन भी टू टाइप्स के हो जाते हैं, सिंगल क्रिस्टल एंड पॉलीक्रिस्टल। जो पॉलीक्रिस्टल होते हैं दे आर मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइट्स, ठीक है, जिनकी अपनी अलग ओरिएंटेशन होती है सबकी। क्रिस्टल में क्या है, हर एक एटम की जो है अपनी, ठीक है, पूरे एज अ होल दे फॉलो द सेम ओरिएंटेशन। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या था, दे आर मेड अप ऑफ सेपरेट क्रिस्टलाइंस, ठीक है, क्रिस्टलाइट से वो बने थे, जिनको हम ग्रेन्स भी कह देते थे, और उनमें क्या है, उन सबकी अपनी अपनी अलग ओरिएंटेशन होती थी, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, सैम्पल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइट्स हैविंग रैंडम ओरिएंटेशन। इस पॉइंट का बहुत ज़्यादा मतलब है, रैंडम ओरिएंटेशन। इट मीन्स इस केस में हम डी भी फिक्स नहीं रख सकते, बिकॉज क्रिस्टलाइट्स हैं, ठीक है, सम विल हैव द स्मॉल साइज, सम विल हैव द लार्ज साइज, क्रिस्टलाइट की फॉर्म में जो है, पाउडर की फॉर्म में है, तो स्पेसिंग डी सेम नहीं रहने वाली इस केस में। सो यहाँ पे डी भी वेरी करेगा, समझ लगा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ठीक है। सो इन द पाउडर मैथड डी विल ऑल्सो वेरी, रीज़न बिहाइंड इज कि जो यहाँ पे जो स्पेसिमन होगा हमारे पास वो है पाउडर फॉर्म में, ना कि एक सिंगल क्रिस्टल फॉर्म में। सो पाउडर फॉर्म होने के कारण इट विल बी मेड अप ऑफ सो मेनी क्रिस्टलाइट्स। सो क्रिस्टलाइट्स की क्या होगी, दे विल हैव देयर ओन ओरिएंटेशन। सो इसलिए जो है यहाँ पे डी भी वेरी करेगा, क्लियर है ये। सो इन दिस मैथड लेमडा इज फिक्स्ड, वेवलेंथ हम फिक्स्ड रखेंगे, बट डी एंड थीटा विल वेरी, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके से होगा, मोनोक्रोमैटिक एक्सरे बीम है, मोनोक्रोमैटिक, यू नो मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ, वेवलेंथ फिक्स है यहाँ पे। सो मोनोक्रोमैटिक जो एक्सरे बीम है, इट इज़ फॉलिंग ऑन अ स्पेसिमन विच इज़ इन द पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है, और वहाँ से जो है अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन होगी, ठीक है, डिफरेंट इन एंगल्स की जो है, डिफरेंट एंगल्स पे जो है रिफ्लेक्शन अकर होगी एंड ट्रांसमिशन होगी। सो जो पैटर्न है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। जहाँ हमने पहले देखा पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स था इन द लास्ट टू मैथड्स, यहाँ पे पैटर्न जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। सो वट इज़ पाउडर मैथड ऑल अबाउट, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, जो एग्स हैं वो स्ट्राइक किए हैं द पाउडर सैम्पल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल, ठीक है, एक्स रेज स्ट्राइक्स द पाउडर सैम्पल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। उसके बाद क्या हुआ, डायफ्रैक्शन विल टेक प्लेस वेन द ब्रैग्स इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब हमारे पास डी भी वेरी कर रहे हैं, थीटा भी वेरी कर रहे हैं, लेमडा यहाँ पे फिक्स है, तो जब ये इक्वेशन जब सेटिस्फाई होगी, 2D साइन थीटा जब एन लेमडा के इक्वल होगा, तभी हमें मिलेंगी डायफ्रेक्टेड बीम्स, ठीक है। तो वो डायफ्रेक्टेड बीम्स क्या होंगी, दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ होगा पाउडर मेथड का, बेसिकली इट इज़ यूजफुल इन मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है वहाँ पे, बिकॉज वहाँ जो है सिंगल क्रिस्टल नहीं चाहिए, मेटलर्जी में जो है सिंगल क्रिस्टल हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए जो है दिस मेथड इज़ यूज देयर। सो आई होप आपको तीनों मेथड्स अच्छे से क्लियर होंगे एंड द डिफरेंस बिटवीन देम, थीटा लैम्डा डी एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। सो अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में आया हुआ है इन द प्रीवियस ईयर। सो टेक अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 59, क्या है वो, अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल 0 to 2 to 2 आंगस्ट्रॉम ऑफ एक्स रे इज यूज्ड इन। तो ये जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है 0 to 2 to 2 आंगस्ट्रॉम, ये कौन से मेथड में यूज़ हुई है। सो फर्स्ट मेथड है लॉज मेथड, सेकंड है रोटेटिंग क्रिस्टल, थर्ड है पाउडर डायफ्रैक्शन, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमने अभी पढ़ा है लॉज मेथड में क्या होता है, थीटा फिक्स्ड रहता है और लैम्डा वेरी करता है, एंड यही रेंज होती है 0 to 2 0.2 to 2 आंगस्ट्रॉम। और सेकंड रोटेटिंग क्रिस्टल में क्या होता है, थीटा जो है वो वेरी करता है, लैम्डा फिक्स होता है, ऑप्शन कट हो गया। जो थर्ड ऑप्शन है पाउडर डायफ्रेक्शन, उसमें भी जो है लैम्डा क्या है, फिक्स है। सो लैम्डा सिर्फ वेरी कर रहा है इन द फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ लॉज मैथड। सो करेक्ट ऑप्शन है 59th का ए। सो आई होप जो है आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सो आई गेट टू नो कि आपको अच्छा लगा आज का टॉपिक। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।